जो क्लास में आ चुके हैं वो अभी भी क्लास में आ गए हैं या अभी भी खाली नहीं आ रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। क्या सोचा हूँ? ऑब्जेक्ट का ना बेसिकली जो आपको ना वैसे एक उसके बारे में बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट जब एक ना कंसेप्ट है, एक कोर्स है बेसिकली पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है, उसके अंदर ना एक कोर्स पूरा, उसमें सबसे पहले हम क्लास को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं और वो हम आगे जाते हैं ना इसकी हमारी पेपर की रेपोजिटरी आएगी उसके अंदर हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। जब आपको क्लास समझ आएगी ना कि क्लास क्या है, फिर आपको ऑब्जेक्ट की बड़ी ही अच्छी समझ आएगी। अगर आपको अभी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है ना, वो इसलिए है क्योंकि आपने अभी क्लास नहीं पढ़ी। क्लास और ऑब्जेक्ट सिंपल जो है ना, एक जैसे कह रहे हैं वो है एक मिलते जुलते कंसेप्ट हैं क्लास और ऑब्जेक्ट। जब क्लास की अच्छी तरह से समझ आएगी ना ग्रुप के अंदर, तो फिर आपको ऑब्जेक्ट की समझ आएगी। अभी सिर्फ हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो सिर्फ इस तरह से देखते हैं कि हम यहाँ पे लेटर बनाते हैं, आगे हमने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज रखी है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बट ये बेसिकली है क्या चीज़, ये तब आपको समझ आएगी जब हम क्लास को पढ़ेंगे कि व्हाट इज क्लास, ठीक है। कंप्यूटर साइंस अगर देखा जाए तो इतनी मुश्किल फील्ड नहीं है, इट इज़ नॉट अ टफ फील्ड। इसके कंसेप्ट भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। आप लोगों के लिए इसलिए टफ हो रहे हैं क्योंकि आप लोग कंप्यूटर साइंस से आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं है। अगर थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड हो, कोई थोड़ा सा अगर आपने बुक्स को थोड़ा भी स्टडी किया हो, अच्छा सा किसी टीचर से अच्छा सा पढ़ा हो ना, आपके ये बड़े ही ईजी कंसेप्ट हैं। इवन के AI है ना, AI का मैं अगर डिस्कस नहीं कर रहा, वैसे ही बता रहा हूँ। AI जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सबसे ज़्यादा मुश्किल फील्ड है, ठीक है। हर कोई उसका डेवलपर नहीं होता, हर कोई उसके बारे में नहीं जानता। कोई है इधर AI का बंदा तो AI के बारे में जानता होगा आपको भी AI कहाँ तक आता है, मॉडल वगैरह अप्लाई कर दिए मैंने, ठीक है। अब जो AI जो है ना, AI मेरे नज़दीक AI सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा आसान। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर हम थोड़ा सा उस चीज़ों को लिंक करें, एनालिसिस करें, तो हमें ना वो चीज़ें समझ आ जाती हैं। आप जब भी कोई चीज़ समझ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप ये कार समझ रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, कोई भी वेरिएबल समझ रहे हैं, उसका एक तरीका ये है कि आप ना किसी कंसेप्ट को किसी दूसरे कंसेप्ट या रियल वर्ल्ड कंसेप्ट से लिंक करके समझें, फिर आपको समझ आ जाए। आपने ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं ना, आप इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से समझेंगे, ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे कि रियल वर्ल्ड के अंदर हम ऑब्जेक्ट किस चीज़ को कहते हैं, ऐसी चीज़ जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस तरह चेयर इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, टेबल इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, लैपटॉप इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। अब कोई भी जो रियल चीज़ होती है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उस फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली जो चीज़ है उस वो दो काम करती है। जैसे एक मैन है ना, इंसान क्या है, इंसान एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो उसे रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है। अब जो एक रियल वर्ल्ड में जो चीज़ है, जैसे एक इंसान है, जैसे मैं हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, अब मेरे पास दो चीज़ें होंगी, या तो मेरी कुछ खसूसियात होंगी या मेरे कुछ एक्शंस होंगे। खसूसियात क्या है, मेरी एज क्या है, मेरा नाम क्या है, बालों का कलर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, हाइट कितनी है, वेट कितनी है, ये सारी मेरी खसूसियात हैं, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टीज होंगी। और दूसरा एक्शंस, मैं बोलता कैसे हूँ, ठीक है, मेरा इकरार किस तरह का है, ठीक है, और मैं दौड़ता हूँ, चलता हूँ, बैठना उठना, ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, एक्शंस जो कि मैं कर सकता हूँ। इवन कि मेरी टीचिंग भी ये मेरा एक्शन है, ठीक है। तो इसी को आप प्रोग्रामिंग के अंदर ले आए। प्रोग्रामिंग में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट बेसिकली कोई भी फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ को जब हमने प्रोग्रामिंग के अंदर मैप करना होगा तो हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे कार है, आपने कोई गेम बनानी है जिसमें कार्स होंगी। अब कार क्या है, फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ है ना, फिजिकल वर्ल्ड में होती है कार। अब कार को जब आप प्रोग्रामिंग में लेके आना चाहते हैं तो कार के कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो आएंगी प्रोग्रामिंग में। कार का कलर होगा, मॉडल नंबर होगा कार का कोई डिज़ाइन होगा, कार की कोई स्पीड होगी, ये सारी चीज़ें आएगी। और कार के कुछ
एक्शन भी हैं, टॉर्च चलती भी है, ब्रेक भी लगाती है, उसमें हॉर्न का सिस्टम भी होता है, ये सारे एक्शन है। तो अब इस तरह की जब कोई फिजिकल चीज को आपने प्रोग्रामिंग के अंदर लेके आना, तो इस केस में फिर आप हमेशा ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, तो काम आपके लिए आसान होगा। बजाय इसके आप वेरिएबल्स को यूज करते हैं, 10-12 वेरिएबल बनाए, हर एक में कार का नाम आ गया, कार का मॉडल आ गया, डिफरेंट सारी चीजें आ गई, आप एक ऑब्जेक्ट को यूज कर लें, उसके अंदर वो सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टी आ गई। तो ऑब्जेक्ट अपने अंदर अपनी प्रॉपर्टीज और एक्शन को कैप्चर किए हुए होता है, ठीक है। ये सेम चीज अगर आप प्रोग्रामिंग में याद रखते हैं कि प्रोग्रामिंग में कार का अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, मैटर्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लियर होंगे, ऑब्जेक्ट समझ आ गया, ठीक है। अब जब भी कभी ऑब्जेक्ट आएगा तो आपने रियल वर्ल्ड से चूंकि लिंक किया है, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा ऑब्जेक्ट काम करता है। अब जब रियल वर्ल्ड से लिंक किया ना, तो अब आप लोगों के अक्सर क्वेश्चन हैं, जो आप बच्चे हैं नॉन टेक्निकल या टेक्निकल के भी क्वेश्चन हैं, हमें इम्प्लीमेंटेशन की समझ नहीं आती। सारे बच्चों का ये मसला कि हमें ये नहीं, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमें ये नहीं पता कि इसको हमने यूज़ कहाँ करना है, इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, यही है ना अक्सर बच्चों का इशू कि इसको यूज़ कहाँ करना है। वो यूज आपको इसलिए नहीं पता लग रहा क्योंकि जब आप समझ रहे होते हैं तो आप उसको किसी रियल वर्ल्ड के साथ लिंक नहीं कर रहे। जब आप उसको रियल वर्ल्ड के साथ लिंक कर लेंगे तो आपको यूज नहीं पता लग जाएगा। अब रियल वर्ल्ड में जब कोई ऐसा सिनेरियो आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा मैंने लिंक किया हुआ था, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज होंगे, ठीक है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि जब हमें समझा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो वो रियल वर्ल्ड एंटिटी के साथ उसको लिंक करके पढ़ाते हैं, वो फिर कंसेप्ट हमें हमेशा याद रहते हैं। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि पढ़ा रहे होते हैं तो वो रियल वर्ल्ड के साथ लिंक नहीं करते, वो स्पेसिफिक उसी चीज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपने खुद चीज़ों को रियल वर्ल्ड के साथ लिंक करना, ठीक है। अब मैं मुझे कोई ऐसी चीज़ जब तक क्लियर नहीं होती जब तक मैं उसको रियल वर्ल्ड के साथ लिंक ना करूँ, उसकी वजह यह है कि मैं खुद भी एक टीचर हूँ, मुझे पढ़ाते हुए भी 8-9 साल हो गए हैं, तो मैंने जब आगे अपने ऑडियंस को बच्चों को समझाना होता है ना, तो मैंने उन्हें समझाने से पहले किसी न किसी चीज़ को रियल वर्ल्ड के साथ लिंक करके एग्जांपल जनरेट करती हूँ, तो वो मैं फिर खुद सोच के जनरेट करता हूँ। हालांकि जब मैंने पढ़ा होता है, ठीक है, तो मैंने रियल वर्ल्ड के साथ लिंक करके नहीं पढ़ा होता, मैं उसको खुद फिर लिंक करके सोच के एनालिसिस करके लिंक करता हूँ, फिर आगे स्टूडेंट को समझाता हूँ, वो फिर स्टूडेंट को पता लगता है अच्छा रियल वर्ल्ड में ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो आप इस सारी चीज़ों को भी, ये सारी चीज़ें आपको क्लास में नहीं बताई जा सकती, आप थोड़ा सा खुद भी सोचें, एनालिसिस करें, चीज़ों के ऊपर ज़रा फोकस करें, दिमाग लगाएं, आपको आस्ता आस्ता अपने रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, ठीक। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी और इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन भी आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। अब एक बेसिकली जैसे कह दें वो एक और क्वेश्चन आया था, कुछ क्वेश्चन थे जो भी मैंने नोट डाउन किए कि आप लोगों के ये क्वेश्चन थे जो भी सब पूछ भी रहे थे। उसमें एक क्वेश्चन था कि भाई का कि बेसिकली जो हमारी असाइनमेंट है ना, यानी ये वाली जो आपकी टाइप स्क्रिप्ट की असाइनमेंट आई है, इसमें ना कुछ जो वर्ड्स हैं ना, प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो कुछ इस तरह की हैं जो कि नॉन टेक्निकल लोगों के लिए समझना डिफिकल्ट है, ठीक है। जिस तरह उसमें एक अपेंड का मेथड है, वो तो मैं भी उसमें ऑन करता हूँ कि बाकी वो अपेंड का मेथड उसमें नहीं है, लेकिन उसमें जो प्रिंट का है ना, प्रिंट का कंसेप्ट, प्रिंट आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर, चाहे आप सी लैंग्वेज की कोई भी असाइनमेंट निकाल लें, लेट्स से आप निकाल लें सी असाइनमेंट इन सी लैंग्वेज, असाइनमेंट इन जावा लैंग्वेज, तो वहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल होगा ना, वो यही इस्तेमाल होगा कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट्स देयर सम, ठीक है, प्रिंट्स देयर सम। अब जावा में प्रिंट का नहीं है फंक्शन, जावा में प्रिंट एलन होता है या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है, लेकिन वहाँ पर प्रिंट्स का वर्ड होगा या दूसरा वर्ड होगा डिस्प्ले का। तो वर्ड्स जो होते हैं, बाद दफ़ा उन वर्ड्स की सेंस होती है, उन सेंस को हमने ट्रांसलेट करके अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो कमांड तलाश करनी होती है जिस कमांड से वो वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब आपका अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है तो वो तो फिर बड़ा अच्छा है। अगर आपका किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस टाइप स्क्रिप्ट को अच्छे से सीख लें, आपकी तमाम तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस हो गया। अब बेसिकली मे भी कोडिंग में थोड़ी सी मेरी इतनी एक्सपर्टीज ना हो, लेकिन कंसेप्ट वाइज मेरी एक्सपर्टीज ज़्यादा है। उसकी वजह ये है क्योंकि मेरा प्रोग्रामिंग पढ़ाने का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, प्रोग्रामिंग करने का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक
इसलिए कंसेप्ट वाइज जो है ना, मैं आपको चीज बड़ी अच्छी तरह करवाती हूँ। तो मे भी अगर कमांड करवाते हुए यहाँ पे हो सकता है एक दो कमांड्स कभी जेन से निकल के जाती हो या कोई चीज़ ना, लेकिन कंसेप्ट वाइज चीज़ें इसकी अच्छी हैं क्योंकि मैंने उन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा सोचा हुआ है। अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। तो आप भी इस पर एफर्ट करें, ये चीज़ें आस्ता आस्ता हो जाएगी, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स के जो असाइनमेंट आपकी आई है इधर, ठीक है, इससे ज़्यादा आसान वर्ड प्रॉब्लम्स कोई नहीं होंगे, ठीक है। जब आप कोई फ्रीलांसिंग करेंगे या कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर क्या होता है, क्लाइंट आपके पास आता है, क्लाइंट ने आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल देनी है, और क्लाइंट अगर आपने कोई अच्छा काम करना शुरू किया है तो आपके पास पाकिस्तानी क्लाइंट तो नहीं आएंगे, आपके पास तो बाहर से ही क्लाइंट आएंगे, कोई ऑस्ट्रेलिया का होगा, कोई यूके का होगा, ठीक है। आपने उसे कहना कि अच्छा मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं, वो आपको एक बड़ा सा व्हाट्सएप मैसेज या फाइबर के ऊपर या ऊपर के ऊपर एक बड़ा सा मैसेज लिख के या आपको एक पीडीएफ सेंड कर देंगे। उस पीडीएफ में गरीब तरह की इंग्लिश लिखी होगी, जिस तरह की वो डेजों की इंग्लिश होती है, वो सारी इंग्लिश लिखी होगी, वो कहेगा कि मुझे इस तरह का प्रोजेक्ट बना देना। अब आप कहेंगे क्लाइंट को कि यार ये आपकी जो इंग्लिश है, ये जो आपने लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रही, वो भाग दे। क्योंकि अगर क्लाइंट को वो समझ आ रहा होता तो वो खुद ना कर लेता, वो आपको क्यों दे रहा है। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी स्मार्ट। आपने उसको समझ के उसके साथ जब मीटिंग करनी है तो आपने क्लाइंट को उसको पहले अंडरस्टैंड करना है, समझना है, फिर उसके बाद आपने क्लाइंट से मीटिंग करनी है और आपने उसे कहना है कि यार मुझे यहाँ तक तो सारी समझ आ रही है। अब ये थोड़ी थोड़ी क्यूरीज हैं, इन क्यूरीज से रिलेटेड मुझे आपसे कोई हेल्प मिल सकती है, ठीक है। जब आप उसे उसकी असाइनमेंट जब समझाएंगे ना कि आपका ये प्रोजेक्ट है, मैंने असाइनमेंट पढ़ी आपको पीडीएफ फाइल में, ये प्रोजेक्ट है, ये आपने डिस्क्राइब किया हुआ, इस तरह से बताया हुआ, ये सारा, वो आपसे इंप्रेस होगा। तो आप फिर एंड पे कहेंगे ना कि यार मुझे इसमें ये चीज़ नहीं पता लग रही, ये वाला, ये आप अपने प्रोफेसर से या किसी से या किसी बंदे से पूछ लें क्लाइंट तरह से, तो उस वो चीज़ आप उसको इम्प्रेस करेगी और फिर कहेगा कि नहीं यार ये गलत हो जाए। वजह इसके कि वो जो आपके पास पीडीएफ फाइल आई, रिक्वायरमेंट फाइल, अगर आप उसी से पूछना शुरू करते हैं कि यार मुझे इसकी कोई समझ नहीं आई, तो वो आपसे यही जवाब देगा कि अगर भाई मुझे समझ आ गई थी तो मैं कर लेता, मैं आपसे पैसों में क्यों काम करवाऊँ, ठीक है। तो अब ये चीज़ कैसे डेवलप होगी, ये चीज़ वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर करके डेवलप होगी। इसी तरह की जो असाइनमेंट्स आपने सोल्व करेंगे ना, 45 क्वेश्चंस, इसके अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन वर्ड प्रॉब्लम से पहले आप उसको पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो इस तरह के बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगे, वर्ड्स लिखे होंगे, उस प्रॉब्लम पूरी स्टेटमेंट लिखी होगी। तो अगर आप वो कर लेते हैं तो आप इसलिए क्या करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है।
वैसे चेक कराइएगा इनको कौन से पीरियड है यहाँ वहाँ क्या है सर माइक भी मेरे पास मैं माइक ले आता हूँ रखा हुआ